ही कोई सप्ताह जाता होगा जिसमें अगलगी की घटना ना घटी हो। आज एक ओर जहां बारसोई में कई एकड़ फसल आग के हवाले हो गई, वहीं दूसरी ओर बरारी में हुई भीषण अगलगी में दो दर्जन घर जलने के साथ साथ एक बच्चे की भी मौत हो गई। यह भीषण अगलगी कटिहार के बरारी प्रखंड के सेमापुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत वैसा गोविंदपुर पंचायत के सहरिया गाँव के वार्ड नंबर 10 में घटित हुई है। हमारे सेवापुर संवाददाता साहिद सावरिया ने बताया कि अगलगी की भीषण घटना में दो दर्जन घर पूरी तरह जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों की संपत्ति पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसके अलावा घर में मौजूद एक बच्ची भी पूरी तरह जल गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा एक बच्चा बुरी तरह झुलस गया, जो अभी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। हम घर घुसे सीमापुर से आ रहे थे, तब देखते हैं आगे जल रहा है, उतने देखे और कुछ नहीं देखे हम। कितना बजे का लमसम घटना? 12 बजे से दो बजे। कैसे लगा, कुछ पता चला? नहीं, हमको पता नहीं। क्या सब जला है इस अगलगी में आपका? हमारा जला है मोटामोटी 3 लाख टका लाए थे, व्यापारी करते हैं मकई का, किसान को लेकर उस टका जल गया है। और एक गो फ्रिज था, 4 गो पलंग था और जितना बिछाना था जो था सब जल गया। हाँ, सामान जल गया। खसी था, 4 गो जल गया ना? दो गो जला है, दो गो। हाँ, दो गो खसी जला है। आदमी नुकसान भी हुआ? नहीं, हमारा घर पर नहीं हुआ, दूसरा घर पर हुआ। कितना लाख का आपका नुकसान है लगा? 15 लाख। 15 लाख से ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। सामान होगा, घर जला है। जिला प्रशासन से आप आइए, देखिए जो भी सहयोग करे। हाँ, आपका क्या नाम है? अब्दुल रज्जाक। लगभग कितना घर जला है आपको? यहाँ 6 घर जला है सर। इसका परिवार में 6? नहीं, हमारा परिवार 4 गो। 6 घर जे तो रह जे तो रे दिखे, 3 बिठे दिखे, 6 गो घर जला है हमारा। लोगों ने बताया कि इस अगलगी की घटना में एक मवेशी की भी जलने से मौत हो गई है। अगलगी की यह भीषण घटना आज 3 अप्रैल को दोपहर में घटी है। आग लगते ही लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी विलंब से पहुंची। इससे ग्रामीणों का आक्रोश और भी अधिक बढ़ गया। गुस्साए ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी का शीशा तोड़ डाला। घटना तो हम घर में नहीं थे ना, हम गए थे तेरे सर ठीक करने के लिए। अब वहाँ से मैंने मिस्त्री बोला जे आधा घंटे से आग जल रहा है, तब वहाँ से गाड़ी लेकर आए तो मैंने बोला जे यहाँ देखते हैं तो आग लगा हुआ है। तब हाँ, कोई बोला जे तेरे बच्चा को मैंने हॉस्पिटल में है, तब हम दौड़ के हॉस्पिटल गए। डेट कर गया आग में जल के। लड़का है कि लड़की है? लड़की है। कितना साल का लड़की? 3 साल का। क्या नाम है? तस्कीना। कैसे आग लगी पता चला है? नहीं, हमको तो ये पता नहीं है अभी तक। और एक बच्चा घायल भी है? अभी ये पता कंफर्म नहीं है बच्चा। वो बच्चा किनका है? वो बच्चा अभी किनका है तो अभी कंफर्म, हमारा भी बच्चा देखने के लिए अभी छोटा बड़े भाई का। क्या घर के अंदर ही था? घर के अंदर नहीं था, वो आग देख करके डर से घर में घुस गया। वही जल रहा था? वही जल रहा था। कितना घर जला है? मोटा मोटी घर तो बहुत, 3 आदमी का घर जला है। और क्या सब जला है? हमारा तो टोटल खत्म है, कुछ नहीं है हमारा। कितना लाख का लगभग नुकसान होगा आपका? मोटा मोटी हमारा घर में 15 लाख से नीचे नहीं। नगद पैसा भी था, लेकिन सब जल गया तो किसको बोलेंगे? अनाज भी जल गया, मकई काट के लाके रखा हुआ था, वो भी खत्म। नहीं, हम गए थे थ्रेसर ठीक करने के लिए, मकई दौनी करने के लिए। आपका बच्ची डेट कर गया? डेट कर गया। इसमें आप क्या कहना चाहे, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अब प्रशासन जो मुआवजा होगा वो प्रशासन करेगा। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद कौसर। कौन सा जगह है? सहरिया। देखिए, हम लोग को आज लगभग 2:50-52 में हम लोग को फ़ोन आया कि आपके यहाँ पर आग लग गया है। हम लोगों ने तत्काल इसकी सूचना थाना प्रभारी को दिया,
और अंचल निरीक्षक सह कर्मचारी जो है उनको दिया, और दमकल जो है आधा घंटा विलम्ब से जो है दमकल पहुंची है। और आग ये भयावह स्थिति थी कि हमारे ग्रामीणों के सहयोग से जो है किसी तरह से आग पर जो है वो काबू पाएगा, तब तक जो है दमकल आया, आने के बाद जो है ये पूर्ण रूप से जो है आग पर काबू पाया गया है, और जिससे लगभग 17 घर जो है वो बिल्कुल जलकर राख हो गया है, चूँकि घरेलू सामान भी जो है वो भी जो है जलकर राख हो गया है। और इसी क्रम में दो बच्चे जो है झुलस गए थे, तो एक थोड़ा सा कम है जो अभी जीवित अवस्था में, और एक की मृत्यु हो चुकी है जिसका नाम तस्कीना खातून है, उम्र लगभग 2 वर्ष है, ये मोहम्मद कौशल आलम का बेटी है, वो झुलस के मर गया। सरकार के तरफ से अभी फिलहाल जो है हमारे पीड़ित परिवारों को जो है पोलोथीन और किट की व्यवस्था 15 परिवार को किया जा रहा है, और इसके बीच जो है अभी खाद्यान्न का जो व्यवस्था लिया जा रहा है, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी भरोसा दिला है कि मैं आ रहा हूँ, आने के बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं मोहम्मद मतीउर रहमान, पूर्व मुखिया बैसा गोविंदपुर। आग रमजान का महीना है और जिस टाइम में आग लगी है लगभग वो 2:50-55 का समय था, रोज़ा अफ्तार की तैयारी थी, इसी बीच में आग कहीं से लगी या गर्मी बहुत ज़्यादा था, हवा तेज़ थी, हल्की आग लगी किसी जगह से और ये पूरी तरह से 20-25 मिनट के अंदर जो है भव्य रूप ले चुका, और लगभग 17-18 घर में जो है आग लगी और बिल्कुल बर्बाद हो चुका। दमकल भी लगभग 20-25 मिनट में पहुंच गई, लेकिन आग इतना बेकाबू था कि उसको काबू का पाना बहुत मुश्किल। तमाम ग्रामीण जो है जोर लगे लगने की कोशिश किया और लगभग ख़त्म हो जाने के बाद आग पर काबू पाया। एक बच्ची जली है 2 साल की, उसी बीच में हंगामे के बीच में पता नहीं चला किसी को कि बच्चे कहाँ हैं। पहले तो खबर लगी कि 3-4 बच्चे जले हैं, लेकिन बाद में सारे बच्चे इधर उधर छिपे, डर से छिपे पड़े थे, वो मिले। एक बच्ची बुरी तरीके से जली है, 2 साल की बच्ची है, और उनको अभी सरकारी इलाज के दौरान गई थी जहाँ पर वो उनका डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है, बाकी सरकारी प्रक्रिया उनकी चल रही है। पुलिस प्रशासन कहने के 17 घर है, लगभग ये 70-80 लाख रुपए का नुकसान है, कागज़ पत्तर जमीन आदात बकरी वगैरह भी जली है, कुछ भी जो बचा होना चाहिए कुछ भी, हमको लगता है शरीर पे जो बचा हुआ होगा वो भी कभी बनियान होगा, उसके अलावा क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी तो कपड़े भी लोग जो है मर्द लोग घर में ही उतार के रखे थे, तो जो शरीर पे बचा हुआ चीज़ है वही बचा और उसके अलावा कुछ बचा नहीं है। स्थानीय लोग कुछ खास नहीं, क्योंकि उनको आक्रोश थोड़ा सा हुआ, दमकल हमारे आसपास में दमकल नहीं है, सरकार से और प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि अब सेमापुर भी एक थाना हो चुका है और एक थाना में एक छोटा दमकल की अविलंब उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये मौसम है, गर्मियों का दिन है, इस क्षेत्र में लगभग जो है नदी किनारे लोग बसे हुए हैं और फूस का मकान है, टेम्पोररी मकान है, इसी टेम्पोररी में ये लोग रहते हैं और अक्सर आग लगती है और बहुत बुरे तरीके से बर्बादी होती है। तो सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द सेमापुर में एक दमकल का प्रबंध कराया जाए। मेरा नाम शारिफ अहमद खान है, जिला परिषद प्रतिनिधि, क्षेत्र संख्या 12, बड़ारी। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि अगलगे की इस घटना से कम 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों का यह भी कहना है अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर आ जाती तो शायद क्षति काफी कम होती। इस घटना के कारण पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। इन पीड़ित परिजनों में मोहम्मद राजा, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद नजरुल और नूर आलम आदि शामिल है। जहाँ तक बच्ची का सवाल है, इस अगलगे में मरने वाली 3 वर्षीय बच्ची का नाम तस्कीन खातून है, जो कौशल आलम की पुत्री बताई जा रही है। इसके अलावा एक छोटा बच्चा भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। इस अगलगे की सूचना मिलते ही बरारी बीडीओ पूरन साह और सेमापुर ओपी प्रभारी हरि प्रसाद यादव पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद बीडीओ द्वारा सभी पीड़ित परिवारों के बीच पॉलिथीन, सूखा राशन, कपड़े, बाल्टी और किट आदि का वितरण किया गया। इधर पीड़ित परिवार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिनांक 3/4/2024 को लगभग समय 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि सहरिया गांव में आग लग गई है। सूचना प्राप्त होते ही मैं तुरंत स्थल पर पहुंचा
स्थल पर जायजा लिया। लगभग 17 व्यक्ति का घर आग में जलकर समाप्त हो चुका है और जिसमें एक बच्ची भी जो है जिसका नाम तस्कीना खातून पिता मोहम्मद मौसर कौसर है उनकी बच्ची की मृत्यु हो गई है। तत्काल प्रशासन के द्वारा अभी तत्काल क्या मदद पहुंचाई गई है सरकार के? पॉलीथीन सीट आपदा किट्स अभी तत्काल दिया जा रहा है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ शंभू कुमार शाह, राजस्व कर्मचारी शाह, प्रभारी अंचल निरीक्षक बड़ारी।